हरतालिका तीज की आप सबको शुभकामनाएं। जो भी शिव पार्वती की इस कथा को सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हरतालिका तीज की कथा शुरू हो रही है, आप लोग ध्यान से सुने। एक बार माता पार्वती और शिव जी प्रसन्न चित्त कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे थे। इसी समय माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे महेश्वर, आप हमें कोई ऐसी युक्ति बताइए जो सभी धर्मों से सरल हो और महान फल देने वाली हो। ऐसा कौन सा व्रत है और कौन सी चीजें दान करने से आप हमें वर के रूप में मिलोगे। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, अब मैं उस व्रत के बारे में तुम्हें बताऊंगा जो मुझे परम प्रिय है और मेरा सर्वस्व है। जिस तरह से नक्षत्रों में चांद है, ग्रहों में सूर्य है, वर्णों में ब्राह्मण है और देवताओं में गंगा है, पुराणों में महाभारत है, वेदों में साम वेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, जिसके प्रभाव से तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो, हे प्रिय सुनो, उस व्रत का वर्णन मैं तुमसे करता हूँ। भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र तृतीया यानी कि तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से तुमने मुझे प्राप्त किया है। हे देवी, अब तुम सुनो, हिमालय पर्वत पर तुमने इस व्रत को किया था। पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, मुझे शीघ्र बताओ कि मैंने ये व्रत क्यों किया था। हे प्रिय, आर्यवर्त में हिमालय नामक एक पर्वत है, वह हर तरह से संपन्न है। वहां रहने वाले जीव जंतु आदमी सब बहुत प्रसन्न चित रहते हैं। वह हमेशा बर्फ से ढका रहता है और बहुत सुंदर है, और गंगा के जल की कल कल करती हुई आवाज हमेशा वहां गूंजती रहती है। हे गिरिजे, तुमने बाल्यावस्था में वहीं पर तप किया था, तुमने बहुत कठोर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक अधोमुख यानी कि नीचे की ओर मुख करके तुमने तपस्या की। फिर 64 वर्षों तक बेल के पत्तों का भोजन करके तुमने तप किया। माघ के महीने में भरी सर्दी में तुमने जल के अंदर खड़े रहकर तपस्या की, और वैशाख की तपती हुई धूप में तुमने अग्नि में रहकर तप किया, और श्रावण मास में खुले में वर्षा के जल में भीगते हुए बिना कुछ खाए पिए तुमने कठोर तप किया। तुम्हारी इतनी कठोर तपस्या देखकर तुम्हारे पिताजी हिमांचल को बड़ी चिंता सताने लगी कि इस कन्या का विवाह किससे करूं। वे ये सोच ही रहे थे कि इतने में नारद जी वहां पर आ गए और उन्होंने कहा कि तुम अपनी इस पुत्री का विवाह विष्णु भगवान से कर दो, आपकी पुत्री के लिए वो बिल्कुल सही वर है। हिमांचल ने कहा, ठीक है, ये तो मेरी कन्या के लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि स्वयं विष्णु जी ने प्रस्ताव भेजा है, मैं अवश्य ही अपनी पुत्री उनको दूंगा। ये सुनकर नारद जी वहां से सीधे कृष्ण लोक चले गए और श्री विष्णु भगवान से कहा कि राजा हिमांचल ने मेरे सामने अपनी पुत्री से कह दिया है कि मैंने तुम्हें विष्णु भगवान को अर्पण कर दिया है। ये सुनते ही पार्वती अपनी सखी के यहाँ गईं और पृथ्वी पर गिरकर विलाप करने लगीं। सखियों ने पूछा, तुम इतनी दुखी क्यों हो। तब पार्वती जी ने अपनी व्यथा सुनाई कि मैं मन ही मन महादेव का वरण कर चुकी हूँ और मेरे पिताजी ने नारद जी को हाँ कर दी। वो विष्णु लोक से विष्णु भगवान का प्रस्ताव लेके आए थे मेरे साथ विवाह करने के लिए, तो मेरे पिताजी ने नारद जी को हाँ कर दी और मुझसे भी कह दिया
कि मैंने तुम्हें विष्णु भगवान को अर्पण कर दिया है, अब मैं संसार में नहीं रहना चाहती। तब सखी ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी जो तुम्हारे पिताजी ने कभी नहीं देखा होगा। पार्वती जी ऐसे ही वन में चली गई। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, जब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें घर पर नहीं देखा तो वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब महल में रहने वाले सभी लोग भागे हुए आए और राजा को मूर्छित देखकर उनसे कारण पूछा। तब गिरी राज हिमालय ने कहा कि मुझे मेरी कन्या को लेकर बहुत चिंता हो रही है, बहुत डरावने ख्याल आ रहे हैं दिमाग में। यह कहकर राजा हिमांचल कांपने लगे। मूर्छा खत्म होने के बाद, होश में आने के बाद तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढते हुए उसी जंगल में पहुंचे जहां तुम अपनी सखी के साथ गई थी। तुम सखी के साथ घूमती हुई नदी के किनारे एक गुफा में पहुंची। तुम वहीं पर बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा करती रही। उसी स्थान पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन यानी हरतालिका तीज को तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारे सम्मुख प्रकट हुआ और तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। जो कुछ भी तुम वरदान मांगना चाहो मुझसे मांग लो। जब मैंने तुमसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा तब तुमने कहा, मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ, मैं तथास्तु, मतलब ऐसा ही हो। ये कहकर कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः काल बालू रेत की प्रतिमा को तुमने नदी में विसर्जित कर दिया और व्रत का परायण किया। इतने में राजा हिमांचल भी वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम इतने घने जंगल में क्यों आई हो, हे गिरिजे? तब तुमने अपने पिताजी से कहा कि आपने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैं पहले ही मनी मन शिव जी को अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। ये सुनकर तुम्हारे पिताजी राजा हिमांचल तुम्हें बड़े आदर पूर्वक घर ले गए और घर ले जाकर उन्होंने मैनावती से कहा कि पार्वती के विवाह की तैयारी करो, हम अपनी पुत्री का विवाह भोलेनाथ के साथ करेंगे। और शुभ मुहूर्त देख के उन्होंने तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। इसी हरतालिका तीज के व्रत के प्रभाव से तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो। हे देवी पार्वती, इस व्रत के राज का वर्णन मैंने आज तक किसी के सामने नहीं किया, अब मैं तुम्हें और बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा? हे पार्वती, तुम्हें तुम्हारी सखी हरण करके ले गई, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। तब पार्वती ने कहा, स्वामी, ये भी बताइए कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तब महादेव ने कहा, ये अखंड सौभाग्य देने वाला है, पुत्र पौत्र देने वाला है। तब पार्वती ने कहा, हे महादेव, इस पूजा की तैयारी कैसे करनी चाहिए, मंडप कैसे बनाना चाहिए? तब महादेव ने कहा, इसमें केले के खंभों का मंडप बनाकर धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजन करें और शिव पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसे मंडप के अंदर स्थापित करें और उसकी पूजा करें। अगर आपके पास धातु के शिव पार्वती हैं, सोने या चांदी के, तो मंडप के अंदर आप उन्हें रख के भी पूजा कर सकते हैं। फिर उनसे बार बार प्रार्थना करें कि हे कल्याण स्वरूप शिवजी, मंगल स्वरूपा
माँ पार्वती, आप हमारी मनोकामना पूरी करो। ऐसी प्रार्थना आप मन ही मन कई बार करें जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो, क्योंकि हर तालिका तीज पे शिव पार्वती की रात भर पूजा चलती है। तब शिव जी ने कहा, गिरिजे इस व्रत के कुछ नियम भी हैं, इसीलिए इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और व्रतराज कहा गया है। हे गिरिजे, अब ध्यान से सुनो, हरतालिका तीज का व्रत करने वाली स्त्रियों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। हरतालिका तीज का व्रत करके अन्न खाने वाली स्त्रियां शुक्री की योनि प्राप्त करती हैं और फल खाने वाली स्त्रियां बंदरिया की योनि प्राप्त करती हैं और जल पीने वाली स्त्रियां तितहरी बनती हैं, शरबत पीने वाली स्त्रियां जोग बनती हैं। और जो स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत करके दूध पी लेती हैं वो अगले जन्म में सर्पणी बनती हैं। व्रत करके जो मांस खाती हैं वो स्त्रियां बाघिन बनती हैं और जो दही खा लेती हैं वो अगले जन्म में बिल्ली बनती हैं। और जो स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत करने के बाद मिठाई खा लेती हैं वो मक्खी की योनि प्राप्त करती हैं। और जो स्त्रियां रात को पूजा के टाइम पे सो जाती हैं वो अगले जन्म में अजगरी बनती हैं। इस प्रकार महादेव ने पार्वती जी से कहा कि स्त्रियों को अपना यह लोक और परलोक सुधारने के लिए यह व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन पारण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबा या कांसे के पात्र में अन्न रखकर ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। पार्वती जी कहती हैं कि इस व्रत को करने वाली सभी स्त्रियां मेरे समान पति को प्राप्त करती हैं, अर्थात उन्हें शिव जी जैसा पति मिलता है। इस कथा को सुनने से हजारों अश्वमेध यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है। हे देवी पार्वती, मैंने तुम्हारे सम्मुख सबसे उत्तम व्रत का वर्णन किया है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहती हैं, धन धान्य पुत्र पौत्र आदि संपत्तियों से भरी रहती हैं। उनके चारों तरफ अन्न धन सब कुछ जगमग जगमग होता रहता है, उनके चारों कोने भरे रहते हैं। अंत में माँ पार्वती और भोलेनाथ से मेरी प्रार्थना है कि जिन्होंने व्रत रखा है और कथा सुनी है और जिन्होंने व्रत नहीं भी रखा है और कथा सुनी है उनकी हर मनोकामना पूरी करें, स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहें। दोस्तों, जाने से पहले लाइक के बटन को दबा दीजिए।